गुड मॉर्निंग खवातीन हज़रात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उठ गए यार, रोजा लग रहा है। कोई बात नहीं, सबर की बात है, सबर करेंगे। थोड़ी देर रह गई, इफ्तारी करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे होशियारिया के सेट पे जहां पे है आज ईद शो। तो घर से ही मैंने आज ब्लॉग शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं आपको साथ साथ लेके चलूंगी कि क्या क्या पूरे दिन में होता है रेडी होके, उसके बाद हम लोग जाएंगे सेट पे। मुझे याद आया कि मैंने अभी तक ईद के कपड़े ही नहीं लिए। मतलब ईद यार, मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर एक सूट 20,000 रुपए का है तो मैं अपने घर की ऐसी कौन सी चीज बेचूं जो बेच के मैं वो सूट खरीद सकूं। यार क्या हो गया है, सिंपल से सिंपल सूटों को भी आग लगी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे सोने का वर्क लगा हुआ है उनके ऊपर। व्हाट इज दिस। अपने अब्बा को ढूंढते ढूंढते मैं आई थी, पता चला कि वो बाहर बैठे हुए हैं। जी अब्बा जी, क्या चल रहा है? टोमेटोस मैन। अच्छा हाँ, बल्कि ये मैंने ना अपने नए सब्सक्राइबर्स को दिखाना था कि ये बड़ा जबरदस्त किस्म के आपने आप पिछले जमाने में गार्डनर तो नहीं थे, पिछले दौर में बावजदाद माली थे। हम आपको मिलवाते हैं अपनी मिठी से। मिठी बेटा सलाम करो सबको। मिठी मिठी मिठी। बस हम लोग निकलने लगे हैं, और निकलने से पहले हमारा एक रिचुअल होता है कि हमने अपनी मिठी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है, जो कि इस वक्त बिल्कुल मुंह लगाने के मूड में नहीं है। मिठी मिठी, अच्छा इधर आके सलाम कर दो सबको। हाँ सबको बोलो हेलो, हेलो बोल दो सबको। अब नहीं बोलोगी ऑन कैमरा? जी नहीं बात करते हम बिल्कुल भी, हम बहुत ज़्यादा शाय हैं। ये मिट्टी को फंसाने का एक तरीका है कि आप उसके साथ लाडियाँ शुरू कर दें तो वो थोड़ी देर एक जगह पे ठहर सी जाती है। और ये जी इफ्तारी के लिए बन रहे हैं इस वक्त डिज़र्ट्स, लेकिन इस वक्त हम इनको नहीं खा सकते क्योंकि रोज़ा है। बट दे लुक वेरी टेम्प्टिंग, वेरी गुड। ये तो मतलब ना ज्यादती वाली बात हो गई। मुझे लगता है कि ये नहीं देखना, आपको दिखाना भी नहीं चाहिए मुझे, और ये मुझे वो देखना भी नहीं चाहिए। कब खुलेगा रोज़ा? ये जी इस पे डल रहा है स्ट्रॉबेरी जैम। ओए 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 ओए, क्या बात है भैया। आए मजे। हम लोग निकलने लगे शूट की तरफ, रास्ते जाके शूट पे मुलाकात। स्टूडियो हम लोग पहुंच चुके हैं, और अब हमारा होने लगा है मेकअप। मेकअप के बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। हाफ डन मेकअप हमारा हो चुका है क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो गया, तो अभी हम लोग करेंगे अफ्तारी, और अफ्तारी में मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम लोग क्या पाड़ने लगे। वाह 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 वाह, चावल दही बड़े फ्राउड चाट डट्स वेरी गुड। मैं हो गई हूँ रेडी, और मेकअप रूम में पड़ चुके हैं दंदे। दिल मेरा कर रहा है कि मैं व्लॉग यहाँ पे एंड कर लूँ, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को सेट दिखाना है और मैंने आप लोगों को बताना है कि आगे आज ईद शो में। पहले बताओ कि दंदल के क्या मानी होते हैं? दंदल के मायने होते हैं कि पूंतर जाना, पूतर जाना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। विकी विकी भाई क्या मतलब है दंदल पड़ जाने का? दंदल सर देखिए, हमने दो तीन जगह भी पड़ी देखी है। दंगल है काफी दंगल। और एक जगह पे दंगल की वजह से दंगल भी हो गया, दंगल हो गया। तो जी ये आप लोग देख सकते हैं, बस अभी हम लोग रोल पे जाने वाले हैं, तो आपको मैं सेट की कुछ झलकियां दिखाती हूँ। इर्ज़ा जल्दी से रेडी हो जाओ, चल को के दूसरे सेगमेंट की तरफ दौड़ रहे हैं। अभी हम ऑन एयर हैं, नए सेगमेंट के लिए हम जल्दी जल्दी हो गए थे रेडी। यहाँ पे हम अपने ब्लॉग को खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग। लव यू, बाय बाय।